ओरी खुजली मेरे पूरे शरीर में बड़ी जोर जोर से। हाँ, पर जा भी नहीं सकता मजबूरी में। ऐसी गंदी सजा तो कोई दुश्मन को भी ना मिले। चुप बेवकूफ, इस सजा का मजा लो। थोड़े दिन कैसे तैसे करके गुजार लो, फिर हमारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नहीं बेवकूफ, आसान हो जाएगी। हो जाएगी आसान? हो जाएगी कैसे? हो जाएगी कब? तौबा तौबा, तुम जानते हो भले लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? नहीं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनकी भलाई। बालवीर एक भला और अच्छा बच्चा है, आज नहीं तो कल उसकी भलाई जोर मारेगी और फिर वो खुद हमें यहाँ से छुड़ाने आएगा और उसके बाद मैं अपनी सबसे बड़ी चाल चलूंगी। बिना शय के मात दूंगी उन परियों और बालवीर को, बिना शय के। अरे बेटा सुनो सुनो सुनो, तुमने मानव मेहर को देखा है? कौन मानव मेहर? मानव मेरा बेटा है और मेहर मेरी बेटी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं। डिवीजन? डिवीजन बी, बी डिवीजन। बी डिवीजन? हाँ। मैं तो ए डिवीजन का हूँ, मैं नहीं जानता। ये डिवीजन में बांटते। अरे तुम कौन से क्लास में हो? हा? अरे मानव मेहर। अरे बाबा, आप यहाँ हमसे ही पहले? हाँ। क्यों? पढ़ने आया हूँ। आप भी यहाँ पढ़ेंगे? अरे ये किताबें देने आया हूँ, ये स्कूल की किताबें घर ही भूल गए थे, ये लो। थैंक यू। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रोज रात को सोने से पहले अपना टाइम टेबल देख के स्कूल बैग सेट कर लो, लेकिन तुम हो के मानते ही नहीं हो। सॉरी पापा। कोई बात नहीं, आइंदा से ध्यान रखना। बाय बाय। खबरदार, अगर तुमने हमारे क्लास के बच्चों से नोट्स लिया तो पकड़िए। क्लास के डिवीजन अलग हुए तो क्या हुआ? नोट्स तो सेम ही है ना? नहीं, तुम हम लोग के क्लास से नोट्स नहीं ले सकते। ए डिवीजन वाले ए डिवीजन से नोट्स लेंगे और बी डिवीजन वाले बी डिवीजन से, समझा? नहीं नहीं समझा? अभी समझाता हूँ, रुक। नहीं, मैंने कहा है। बेटा तुम जो कर रहे हो ना बहुत गलत है। इसमें गलत क्या है अंकल? चलो माना कि आप लोगों के डिवीजन अलग अलग हैं, लेकिन क्लास और स्कूल तो एक है ना। बेटा अभी से ऐसी भेदभाव की भावना पालोगे तो बड़े होके भी ऐसा ही सोचोगे। अब समझो मैं गुजराती हूँ तो मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ कि मैं तो खाली गुजरातियों से बात करूंगा, मैं पंजाबियों से बात नहीं करूंगा भाई। चलो समझ लो कोई पंजाबी है, मैं पंजाबी हूँ, मैं तो पंजाबियों से ही मेल रखूंगा, उन्हीं से बात करूंगा। और बच्चों आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे देश को आजादी कैसे मिली, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हमारे शहीदों ने इस देश को आजाद करने की। और बच्चों आप लोग उन शहीदों की कुर्बानी बेकार मत जाने देना। आओ बच्चों, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ शहीदों की कहानी। कितनी अच्छी बात सी करना आज अंकल ने। ए ऋषभ, ऋषभ सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब कोई भी डिवीजन वाला किसी भी डिवीजन वाले से नोट ले सकता है। ए ऋषभ, मैं भी सॉरी बोलता हूँ यार। ए अंकुर, ये नोट्स। अब से तुझे किसी भी नोट्स की जरूरत होगी ना तो सब हम तुझे ला कर देंगे, क्योंकि अब से हम सब लोग एक है। थैंक यू पापा, आज आपकी वजह से ना सिर्फ हमने नहीं बल्कि सब बच्चों ने अच्छा सबक सीख लिया। गुड, तो अब ये सबक हमेशा याद रखना। हाँ चलो जाओ क्लास में जाओ, मुझे भी ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ। जाओ जाओ जाओ, कम ऑन कम ऑन।
मुझे भी चलना चाहिए, परीलोक में सारी परियां मेरा इंतजार कर रही होगी। इस बार परी उत्सव में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए परियों। बिल्कुल रानी परी। इस बार का परी उत्सव बालवीर के लिए खास होगा। हाँ रानी परी, वैसे भी इस बार बालवीर की वजह से परी उत्सव मनाने का उत्साह हम परियों में दुगना हो गया है। हाँ, क्योंकि बालवीर ने ना सिर्फ बच्चों को नींदियों की बीमारी से बचाया है बल्कि उस भयंकर परी को पेड़ बनाकर उसे सजा भी दी है। हाँ, उसे बधाई और शाबाशी देने के लिए हम भी कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो कहाँ गया? बालवीर, खुश रहो रानी परी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। हम बहुत खुश है बालवीर, आपकी वजह से भयंकर परी जैसा खतरा बच्चों के सर से दूर हुआ। अब वो कभी भी बच्चों को परेशान नहीं कर पाएगी। इसलिए हमने फैसला किया है कि बच्चों को नींदियों की बीमारी से बचाने के लिए आपको परी उत्सव में एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा और आपको सम्मान भी दिया जाएगा। शुक्रिया रानी परी। बालवी, तुम सच में इस पुरस्कार के हकदार हो, बधाई हो। हाँ बालवीर, बधाई हो बालवीर। अगर मैं बच्चों को नींदियों की बीमारी से बचा पाया हूँ तो सिर्फ भयंकर परी की वजह से। अगर वो मुझे उसका इलाज नहीं बताती तो मैं शायद कभी भी ऐसा नहीं कर पाता। इस हिसाब से तो मेरे साथ भयंकर परी भी इस पुरस्कार की हकदार है। यस, मानव देख, डांसर ऑफ द ईयर का पोस्टर। और देख लेना, हर साल की तरह इस बार भी मैं बनूंगी डांसर ऑफ द ईयर। महर, इस बार तू नहीं बनेगी डांसर ऑफ द ईयर, इस बार तो कोई और ही बनेगा डांसर ऑफ द ईयर। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अबे बॉस, तेरे बारे में नहीं, मेरे बारे में बात कर रहे ना बॉस। चुप बेवकूफ कहीं के, मैं तुम दोनों के बारे में नहीं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। और डांसर ऑफ द ईयर? नहीं नहीं, आप ही बनेंगे डांसर ऑफ द ईयर, ये लोग नहीं। मंटू, तुम्हें जितने सपने देखने हैं ना देख लो, पर ये कंपटीशन तो महर ही जीतेगी। जीतेगी तब ना जब वो इस कंपटीशन में पार्ट लेगी। महर, तू इस बार इस कंपटीशन में अपना नाम नहीं देगी, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये क्या बात हुई मोंटू, अगर तुम्हें मुकाबले में जीतना है तो मेहनत करके लड़कर जीतो। हाँ। अच्छा, तुम मुझसे लड़ोगे? मुझसे लड़ेगा तू? मुझसे लड़ेगा? हाँ? लड़ मुझसे, लड़, लड़ना चाहते है ना, लड़। मोंटू, ऐसे लड़ाई झगड़ा बंद कर, एक तो पीट दूंगी। पीटूंगा तो मैं तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो। महर, लास्ट वार्निंग है, आखिरी बार समझा रहा हूँ, तू इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेगी, मतलब नहीं लेगी। चल।
अरे वाह, इस साल का डांस कॉम्पिटिशन का फॉर्म आ गया। यस, और ये रही आपके सामने डांस ऑफ द ईयर। हाँ, ये हुई ना बात। बेटा लेकिन बल्लू और मानो का फॉर्म कहाँ है? फॉर्म भरने से क्या फायदा, डांसर ऑफ द ईयर तो पहले ही किसी ने अपने आप को चुन लिया है। मैं डांसर ऑफ द ईयर नहीं बनूंगी, तुझे उस पर शक है? मैं यकीन है। हाँ? मतलब हमें यकीन है कि तुम ही डांसर ऑफ द ईयर बनोगी। मुझे तो डांस की एबीसीडी भी नहीं आती है। हाँ, और मेरे लिए डांस करना मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा है, इसीलिए हम पार्ट नहीं ले रहे। मानव बेटा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कॉम्पिटिशन में भाग लेना जरूरी है। अरे हार जीत तो चलती रहती है। मैं तो बोलता हूँ कि तुम दोनों अभी के अभी फॉर्म लेके आओ और फॉर्म भरो। हाँ महेश बेटा, एकदम सच बात कही तुमने, हमें कंपटीशन में हिस्सा तो लेना ही चाहिए। एक जमाने में ना मुझे भी डांस करने नहीं आता था, लेकिन तुम्हारी दादी को देख देख के सीखा हूँ मैं डांस करना। एक मिनट, मुझसे आपने कब डांस टर्न किया? अब वही सेम टू सेम, मुझसे आपने कब सीखा? मैं समझाता हूँ, तुम लोगों को समझाता हूँ। जा पहले म्यूजिक लगाओ, फिर मैं बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सीखो, चलो। बहुत आसान काम है डांस करना। तो अभी देखो तुम्हारी दादी बर्तन कैसे मानती है। ये देखो। हाँ हाँ, अरे नाचिए, आगे आगे नाचिए। मैं अटक गया हूँ। अभी अच्छा लगता है। अभी देखो पंप का दिखाया, अभी साइकिल कैसे चलाते हैं? नहीं बापूजी, रहने दीजिए, बच्चे सीख गए है ना, सीख गए। हाँ सीख गए दादाजी। अरे वाह, फॉर्म तो बहुत बढ़िया सजा है, हैं? मोंटू लखानी। अरे आपको कौन नहीं पहचानता है? अरे अंकल, वो जो मेहर डगली है ना, उसने अपना फॉर्म दिया क्या? मेहर नहीं, मेहर ने भी तो फॉर्म नहीं भरा है। समझदार है। गुड मॉर्निंग। डीओटी वाई के सारे फॉर्म इकट्ठा हो गए? जी मैम। डीओटी वाई मैडम, हमने तो डांसर ऑफ द ईयर के फॉर्म भरे। डीओटी वाई डांसर ऑफ द ईयर का ही शॉर्ट फॉर्म है। सखरम, सारे फॉर्म इकट्ठा करो और लास्ट अनाउंसमेंट कर दो कि आज आखिरी डेट है फॉर्म सबमिट करने की, और जिसका भी फॉर्म आज सबमिट नहीं हुआ वो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और मैं इस बारे में कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी, बिकॉज रूल इज रूल। जी मैम। चलो रे। मेहर, मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे इस कंपटीशन में पार्ट लेती है। मेरा नाम भी मोंटू लखानी है, मोंटू।